1 अक्टूबर 2024 की आधी रात को इसराइल के ऊपर ईरान ने एक साथ 180 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी, और जब ये मिसाइलें जॉर्डन होते हुए इसराइल के एयर स्पेस में घुसी तो पूरे इसराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। और लोगों के बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए, और उसके कुछ ही घंटों बाद यमन के हूती ने इसराइल पर कुछ 5 क्रूज मिसाइल फायर करने का दावा किया था। हूती ने कहा था कि उसकी ये मिसाइल तेल अविव में एक प्रमुख सैन्य ठिकाने पर जाकर लगी थी, लेकिन इसराइल जब तक संभल पाता तब तक हूती ने तेल अविव पर फिर से एक बड़ा हमला कर दिया है। और इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि आईडीएफ के लिए लेबनान में हिजबुल्ला का सफाया करना इतना आसान नहीं जितना उसे लग रहा था, क्योंकि यमन का हूती उसकी ढाल बनकर खड़ा है और हूती के पीछे ईरान का हाथ है, जिसके दम पर हूती के लड़ाके इसराइल पर बार बार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2024 की रात को हूती ने इसराइल पर एक साथ कई जाफा ड्रोन दागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने तेल अविव और उसके आसपास के इलाकों पर ये ड्रोन फायर किए, और हूती के इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने कहा कि करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से यानी यमन से करीब 5 ड्रोन तेल अविव की तरफ दागे गए। इनमें से पहला ड्रोन रात करीब 2 बजे तेल अविव में घुसा, और इसके बाद तेल अविव में 3 बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये धमाके तेल अविव समेत हर्जिलिया और पैथतिकुआ में हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद एक ड्रोन बैतियम सिटी सेटलमेंट्स तक पहुंच गया। इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिसमें गुजडान इलाके में कम ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है। वहीं हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. आपको बता दें कि रात करीब 2:53 पर बैतियम इलाके में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे, और इसके बाद आईडीएफ ने तुरंत कई लड़ाकू जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन्स के एक जत्थे को ढूंढने के लिए मैदान में उतारा। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि उसने दुश्मन के 2 ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि तीसरा ड्रोन तेल अविव के उपनगरीय इलाके बैतियम के खुले इलाके में जाकर फटा। वहीं इस हमले को लेकर हूती का कहना है कि उसने तेल अविव में एक अहम सैन्य टारगेट पर सफल हमला किया है। इस सबके बीच बड़ी बात यह है कि इसराइल पर यह हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी अपने पवित्र त्योहार रोश हशना को मना रहे थे। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि हूती के इस हमले से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने इसराइल के तटवर्ती इलाके में सबसे पहले एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया, और इसके कुछ ही देर बाद तेल अविव के समुद्र किनारे 2 और ड्रोन्स के आने की खबर मिली, और इसके बाद आईडीएफ ने इनमें से एक ड्रोन को ढेर कर दिया, जबकि एक ड्रोन खुले इलाके में जाकर फटा।